हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वाला मेरा गो टू इंडियन मेकअप लुक। जब भी मैं कुछ इंडियन पहनती हूँ आई ऑलवेज गो फॉर दिस लुक, क्योंकि ये मुझे काफ़ी इजी लगता है एंड मुझे लगता है कि इट लुक्स सो एलिगेंट एंड ब्यूटिफुल। काफ़ी कम टाइम में ही आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकअप करने से पहले आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरी फेस बिल्कुल क्लीन हो एंड क्लीन फेस पर ही मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इस्तेमाल करती हूँ एक सनस्क्रीन। मैं एक गुड क्वालिटी सनस्क्रीन इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि सनस्क्रीन इज द मोस्ट वाइटल स्टेप ऑफ योर स्किन केयर एंड ऑल्सो ऑफ योर मेकअप। समर्स में मुझे कुछ मैट फिनिश सनस्क्रीन चाहिए, कुछ भी ऑयली नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ ये डॉक्टर शेट का सिंटेला एंड नायसिनमाइड सनस्क्रीन, जो कि बिल्कुल मैट फिनिश देता है। इसका ना अनहाइड्रस सिलिकॉन बेस है जो कि ड्राई टच इफेक्ट प्रोवाइड करता है, काफ़ी लाइट वेट है, नॉन ग्रीजी है एंड इंस्टेंटली एक स्मूथ फिनिश देता है। तो इसीलिए मुझे ये मेकअप से पहले इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये एकदम स्मूथ एक कैनवस प्रोवाइड करता है। ऑल्सो आप लोग देख सकते हैं ये स्किन में कितनी इजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत जल्दी ये ब्लेंड हो जाता है एंड कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। इट कंटेन्स 1% नायसिनमाइड दैट कंट्रोल्स एक्सेस ऑयल, बाइंड्स नेचुरल मॉइस्चर एंड रेगुलेट्स सीबम सिक्रीशन, हेल्पिंग आवर स्किन मेंटेन मॉइस्चर एंड नेचुरल ऑयल्स। सन एक्सपोजर से अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई है तो इसमें हेपोटेंट सेंटेला एक्सट्रैक्ट्स जो कि स्किन को सूद करता है और एक इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करता है एंड द प्राइस इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल, 50 grams रिटेल्स फॉर जस्ट 699 rupees। लेकिन इफ यू यूज माई कूपन कोड shiny20 देन यू विल गेट एन अडिशनल 20% डिस्काउंट ऑन देयर वेबसाइट विच इज www.drshades.com। 90 years of Dermat expertise formulated and tested by Dermats। सनस्क्रीन इस्तेमाल करने के बाद मैं डायरेक्टली अप्लाई करती हूँ एक इल्यूमिनेटर। सो चलिए अभी देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मैं इस मेकअप लुक को किस तरह से क्रिएट करती हूँ। स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस एक अच्छा इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर है, उसे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई किया है। उसके बाद मेबलिन फिटमी का जो फ्रेश टिंट है विच इज़ द न्यू लॉन्च ऑफ मेबलिन, उसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपने पिगमेंटेड एरियाज पर, डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स पर इस तरह से फिंगर टिप से अप्लाई करके टैप किया है ताकि प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड हो जाए और मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट लगाना अच्छा नहीं लगता ड्यूरिंग समर सीजन, इसीलिए इतना ही मैं बेस मेकअप करूँगी, इतना ही ज़रूरत है मुझे। और उसके बाद मैंने मेकअप को सेट करने के लिए ये ब्यूटी स्पंज इस्तेमाल किया है एंड इनसाइड का जो लूज पाउडर है उसे मैंने अपने मेकअप को सेट किया है विच इज़ वेरी असेंशियल ड्यूरिंग दिस समर सीजन। फिर मैंने आईब्रोज को थोड़ा सा शेप दिया है ब्लू हेवन के ब्राउ डिफाइनर से, क्योंकि मेरे आईब्रोज बिल्कुल भी ग्रूम्ड नहीं थे उस वक्त। एंड देन मार्स का ये जो चीक पैलेट है इसी मैंने इस्तेमाल किया है पूरा मेकअप कम्प्लीट करने के लिए, और कोई दूसरा आई शेडो पैलेट नहीं इस्तेमाल किया है। जो कॉन्टूर शेड है उससे लेकर मैंने सिर्फ अपने आईलेट पर डिपॉजिट करके एक जो आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है उससे मैंने अच्छे से आई शेडो को ऑल ओवर माई लिड मैंने उसे ब्लेंड कर दिया है एंड दैट्स इट। उसके बाद सेम कॉन्टूर शेड से ही मैंने अपने जॉ लाइन को कॉन्टूर किया है, चीक बोन्स को कॉन्टूर किया है एंड अच्छे से ब्लेंड करना है आपको ताकि कोई हार्श लाइन न रहे। फिर ब्लश जो शेड है उसे मैंने लिया है एंड देन मैं ब्लश को क्या करती हूँ, पहले अपने पाम पर अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ एंड जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होता है उसे मैं अपने अपर पोर्शन ऑफ एप्पल ऑफ माय चीक्स पर अप्लाई करके इस तरह से ब्लेंड करती हूँ। इससे काफ़ी नेचुरल लुक मिलता है एंड काफ़ी लिफ्टेड लगता है आपका फेस। ये इनसाइड का हाइलाइटर है इन दी शेड 06 कॉस्मिक पावर विच इज़ माई फेवरेट हाइलाइटर। ये थोड़ा सा क्रीम बेस्ड हाइलाइटर है। ओलिविया के इस काजल से मैंने अपने लोअर एंड अपर वाटर लाइन को टाइट लाइन किया है एंड देन मैं लोअर वाटर लाइन पर जो थोड़ा सा आउटर पोर्शन है ना उसमें मैं इस काजल को थोड़ा और डिपॉजिट करूंगी ताकि काजल में थोड़ा सा स्मज्ड इफेक्ट आए सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पर। मार्स का ये मस्कारा है, आप लोगों को पता है कि ये मेरा कितना फेवरेट मस्कारा है। देन मैंने अपने फेवरेट लिप कॉम्बो अप्लाई किया है, ये फेसेस कैनेडा का लिपस्टिक है और ये जैन एंड माइजा का पिंक लिपस्टिक है। तो अपने अपर जो लिप्स है वहाँ पर मैंने फेसेस कैनेडा वाला ब्राउन लिप शेड अप्लाई किया है एंड लोअर लिप्स पर मैंने जैन एंड माइजा का पिंक वाला अप्लाई करके इस तरह से ब्लेंड कर दिया है एंड इट मेक्स द मोस्ट ब्यूटिफुल शेड एंड दिस इज माई फाइनल फिनिश्ड लुक। मैंने बिंदी ऐड की है। That
That's it for today's video. I hope ये makeup look आप सबको पसंद आया है. अगर पसंद आया then don't forget to like, share and नीचे comment करके जरूर मुझे बताइए कि मैं next कौन सा makeup look आप लोगों के साथ share करूँ. All the purchasing links are provided in my description box. So make sure you check my description box. Thanks for watching. Bye.